गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमारा लेसन फोर कंप्लीट हो गया था, आज हम पढ़ेंगे लेसन फिफ्थ। लेसन फिफ्थ में है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ऑफर्स द बेस्ट इनहेंस फीचर्स टू क्रिएट ए प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट। इट इज़ डिजाइन टू गिव यू द फाइनेस्ट फॉर्मेटिंग टूल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स यू टू ईजिली ऑर्गेनाइज एंड राइट योर डॉक्यूमेंट्स मोर इफिशियंटली। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जो है वो प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स देता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं जिससे हम बेस्ट क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल टाइप में। इट इज़ डिजाइन टू गिव यू द फाइनेस्ट फॉर्मेटिंग, ये एक फाइनेस्ट फॉर्मेटिंग टूल के रूप में डिजाइन किया गया है और ये हमें एक डॉक्यूमेंट्स टाइप करने में एफिशिएंटली, ये बहुत ही ईजिली इसमें हम अपने वर्क में इसमें हम बहुत ही ईजिली डॉक्यूमेंट्स को राइट कर सकते हैं, ये हमारे इसमें डॉक्यूमेंट्स राइट करने में हेल्प करता है फाइनेस्ट फॉर्मेटिंग टूल। इसमें जो फाइनेस्ट फॉर्मेटिंग टूल होते हैं एंड आल्सो हेल्प, और ये हमें हेल्प करता है यू टू ईजिली हेल्प यू टू ईजिली मदद करता है ईजिली ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है एंड राइट योर डॉक्यूमेंट्स मोर इफिशियंटली, और डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही इफिशियंटली तरीके से राइट करने में मदद करता है। एडिंग और रिमूविंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, यू कैन ऐड और रिमूव एनी ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम टाइप्ड पैराग्राफ। कह रहे हैं हम टाइप पैराग्राफ में हम जो भी टाइप करते हैं उसका जो पैराग्राफ होता है उसमें से कोई भी टेक्स्ट को रिमूव और ऐड कर सकते हैं उसमें। एडिंग द टेक्स्ट, टू ऐड द टेक्स्ट यू सिंपली हैव टू पोजिशन द ब्लैंकिंग कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू ऐड द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ ए कीबोर्ड। द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल बी ऑटोमेटिक शिफ्ट टू मेक स्पेस फॉर द न्यू टेक्स्ट। कह रहे हैं जब हमें जहाँ पर हमें अपना टेक्स्ट ऐड करना वहाँ पे हम कर्सर को लेके प्लेस कर देंगे और वहाँ पे हम एक कीबोर्ड की मदद से अपने टेक्स्ट को वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट टाइप करने के लिए वहाँ पे स्पेस हो जाएगा एक न्यू टेक्स्ट टाइप करने के लिए। क्लिक ऑन द लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू टेक्स्ट। जिस डॉक्यूमेंट में आप नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना, द टेक्स्ट यू टाइप विल अपीयर वेयर द कर्सर ब्लिंक ऑन द स्क्रीन। आपका कर्सर जहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा स्क्रीन में वहाँ पे आपका वो टेक्स्ट खुलकर आ जाएगा। टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू इंसर्ट, जहाँ पे आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है वहाँ पे आप कर्सर के साथ वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर लीजिए। टू इंसर्ट ए ब्लैंक स्पेस, या फिर एक ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करने के लिए प्रेस द स्पेस बार को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। द वर्ड टू द राइट ऑफ द न्यू टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट होगा जो राइट टेक्स्ट है उसको वहाँ पे टेक्स्ट कर दे ऑटोमेटिक मूव फॉरवर्ड, और वो हमें ऑटोमेटिक मूव फॉरवर्ड हो जाएगा जिसके यहाँ पे दिखाया गया। मान लीजिए टेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड करना था, यहाँ पे हम कर सकना था, यहाँ पे हम टाइप करते जाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक वो राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा। रिमूविंग द टेक्स्ट, द अनवांटेड टेक्स्ट यू कैन रिमूव फ्रॉम द एनी वेयर इन द डॉक्यूमेंट्स यू वेयर रिक्वायर्ड टू रिमूव द टेक्स्ट द स्टेप्स टू बी फॉलोड एरिया जाए। जो अनवांटेड टेक्स्ट होता है उसको हम किसी भी टाइम और कहीं भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करें। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड टू रिमूव द टेक्स्ट, और कीबोर्ड से आप डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। द टेक्स्ट डिस्पेयर, टेक्स्ट दिखना बंद हो जाएगा। द रिमेनिंग टेक्स्ट इन द लाइन ऑफ द पैराग्राफ मूव्ड ऑटोमेटिक टू द फील्ड द एम्प्टी स्पेस, जो रिमेनिंग टेक्स्ट होगा वो या पैराग्राफ की जो लाइन होगी उस पर जो टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिक एम्प्टी स्पेस में फिल हो जाएगा। जैसे कि ये हमने यहाँ पे कुड नॉट टू इन वर्ड, ये इसको हमें डिलीट करना है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया डिलीट मटर की मदद से डिलीट कर दिया, और यहाँ का जो है ये टेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस हमारा फिल हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।